तो कैसे हैं आप लोग, मेरा नाम है दीप और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल ऑफ 1.5 के बारे में। तो कल रात को मैं नार्कोस देख रहा था और देखते देखते ही 4 बज गया, टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला और मुझे लग रहा था कि स्पेशल ऑफ करीब 3-4 बजे लॉन्च होगा तो आराम से इसका रिव्यू बनाएंगे। बट मैंने जैसे ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार खोला तो मैंने देखा कि स्पेशल ऑफ तो लॉन्च हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे, पहला रिव्यू बनाओ या फिर सो जाओ। तो मैंने सोचा कि चलो खत्म ही कर देते हैं शो, तो रिव्यू आपके सामने है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर स्पेशल ऑफ सीजन 1 की बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक थी वो, जहाँ पे आपको IMDb की रेटिंग मिली थी 8.6। यहाँ पे मैं थोड़ा क्यूरियस हुआ कि आखिर स्पेशल ऑफ 1.5 की रेटिंग कितनी होगी। तो अभी IMDb की ऑफिशियल वेबसाइट में इसका कोई डेटा नहीं है, बट अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहो तो मैं इसको देना चाहूंगा 8.5 रेटिंग। तो सीजन 1 में हम लोगों ने देखा था कि हिम्मत सिंह टेररिज्म जैसे मुद्दों को बिल्कुल आसानी से सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहा था। हिम्मत सिंह के कैरेक्टर ने अपने अंदर इतनी सारी लेयर्स को छुपा कर रखा था कि एक सीजन में कवर कर पाना मुश्किल है। तो स्पेशल ऑफ 1.5 इन सभी कमियों को दूर करते हुए हमें ये बताता है आखिर हिम्मत सिंह कैसे बना। जैसा कि आप सभी लोगों ने ऑलरेडी ट्रेलर में देख लिया होगा, अब्बास के साथ कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब्बास पूरी स्टोरी बताता है हिम्मत सिंह की। तो स्टोरी स्टार्ट होती है पार्लियामेंट के अटैक से, जहां पे कोई हिम्मत सिंह के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर रहा था, कोई इकलाक खान नाम का बंदा भी है। यहां पे हिम्मत सिंह इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ जूझता हुआ नजर आता है, यहां पे सारी सिचुएशन उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। और इन सभी सिचुएशन के दौरान हिम्मत सिंह की मुलाकात होती है अब्बास से, और उन दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री और कनेक्शन है वो कैसे बिल्ड होता है वो देखने में आपको काफी मजा आएगा। और केके मैनन ने जो यंग रोल किया है ना, माइंड ब्लोइंग। केके मैनन ने जो यंग रोल किया है ना, उसको देखकर आप बोल नहीं सकते कि बंदा 55 इयर्स ओल्ड है। यानी एक टाइम तो मुझे शक होने लगा कहीं ये बॉडी डबल तो यूज नहीं कर रहे हैं, बट वो केके मैनन ही थे, बहुत ही लाजवाब एक्टर है वो। तो इस सीरीज में होता यह है कि गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को स्टील किया जा रहा है और जो गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स है उनकी डेथ होती जा रही है सीक्रेटली तरीके से। यहाँ पे आपको रशियंस का एंगल मिलने वाला है, हनी ट्रैप का एंगल मिलने वाला है, KGB और स्पैरो के बारे में काफी कुछ एंगल कवर किया गया है। यहाँ पे आपको थोड़ा हॉलीवुड वाला फ्लेवर मिलता है अच्छी स्टोरी लाइन के साथ। अगर आपको स्पैरो के बारे में नहीं पता है तो मैं कुछ बताना चाहूंगा, मैंने एक मूवी में देखा था। ये KGB की सीक्रेट एजेंसी होती है जहाँ पे उमदा दर्जे के असैसिन्स को ट्रेन किया जाता है और वो असैसिन्स होती है सिर्फ लड़कियां, काम होता है सिडक्शन से लेकर असैसिन तक का। और हनी ट्रैप भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पे आपके इमोशंस के साथ खेला जाता है और सिडक्शन कूट कूट के भरा होता है और इनका मेन एम होता है इन्फॉर्मेशन निकलवाना। वेल, आपको हिम्मत सिंह 1.5 में ये सब चीजें भी मिलने वाली है, आपको थोड़ा ओवरव्यू मिलने वाला है कि ये सब सीक्रेट एजेंसीज काम कैसे करती है और हिम्मत सिंह हमें इन सब चीजों से ही डील करते हुए दिखाई देता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं आफ्ताब के बारे में, जो कि बहुत टाइम बाद हमें स्क्रीन में दिख रहे हैं। इनका कैरेक्टर सीरीज में एक सपोर्टिंग रोल का होता है, जिसके कैरेक्टर का नाम होता है विजय और कैरेक्टर को काफी बखूबी निभाया है। इसके विलन के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती कि स्पॉइलर खुल सकता है, क्योंकि इसका नाम लेने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि असली विलन कौन है। मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जो विलन का कैरेक्टर है ना, वो आपको ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता और जो स्टोरी है ना, आधी अधूरी सी लगती है। जितना भी रोल था विलन का वो काफी ठीक है और आपको आखिर में सेटिस्फेक्शन दे ही देता है। अगर मैं आगे बात करना चाहूँ हिम्मत सिंह की लव स्टोरी के बारे में, इसमें बहुत बड़ा स्पॉइलर छुपा हुआ है, मैं चाहूंगा कि आप सीरीज में ही देखें, बट उस एंगल को देखना काफी इंटरेस्टिंग था और आपको बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। अगर मेरी सेकंड फेवरेट कैरेक्टर की बात की जाए तो वो था अब्बास। अब्बास को स्क्रीन टाइम थोड़ा कम ही मिला है, बट जितना ही मिला है उन्होंने अपना रोल बहुत ही बखूबी निभाया है। अब्बास और हिम्मत सिंह की केमिस्ट्री ना देखने लायक होती है। तो आखिरी में क्वेश्चन यह था कि हिम्मत सिंह बना कैसे। पहला, इंटरनल पॉलिटिक्स से जूझते हुए भी देश के बारे में पहले सोचना। दूसरा, ऑनेस्टी और लॉयल्टी को हमेशा ऊपर रखना। तीसरा, नेवर गिव अप एटीट्यूड चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। तो हिम्मत सिंह ने अपने सामने बहुत सारे पर्सनल लॉस होते हुए देखे हैं, फिर भी उन इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने देना और कंट्री को हमेशा प्रायोरिटी रखना। जो भी हिम्मत सिंह के लिए ऑनेस्ट और लॉयल है उनकी हेल्प के लिए हद से ज्यादा गुजर जाना और अपने गट्स को फॉलो करते हुए सच्चाई को सामने रखना, चाहे इसके लिए आपको सस्पेंड होना पड़े। इन सभी चीजों को मिलाकर बनता है हिम्मत सिंह। तो आपको इस सीजन में कुछ 4 एपिसोड्स मिलने वाले हैं। कुछ एपिसोड्स की लेंथ मिलने वाली आपको 50 मिनट्स और कुछ एपिसोड्स की लेंथ मिलने वाले को 30 मिनट। कुल मिलाकर अगर टाइम की बात की जाए तो आपको 3 घंटों की कुर्बानी देनी पड़ेगी और स्टोरी लाइन इतनी एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग है कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता कि 3 घंटे कब बीत गए। ये सीजन एक ट्रेन की तरह है, जहां पे पहला एपिसोड बिल्कुल स्लो स्टार्ट होता है, जहां इसका 3rd और 4th एपिसोड अपनी पूरी स्पीड पकड़ लेता है, जहां पे आपको सारे ही कैरेक्टर से आपको बहुत अच्छी एक्टिंग मिलती है। अगर पुराने सीजन से कंपेयर किया जाए तो आपको इतना ज्यादा तो एक्शन नहीं मिलने वाला, स्टोरी लाइन में आपको बिल्कुल टक्कर की मिलती है जो कि आपके एक्शन की कमी को पूरा कर देती है। हिम्मत सिंह का कैरेक्टर आपको जेम्स बॉन्ड और मिशन इम्पॉसिबल की याद दिलाता है और हम लोग को ये रियलाइज करवाता है कि हमारे यहाँ भी पोटेंशियल है और केके मैनन को उनकी एक्टिंग के लिए मैं 10/10 देना चाहूंगा। तो ये था स्पेशल ऑफ 1.5 का रिव्यू। आई होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और आगे वाली सीरीज और मूवीज के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।